फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास ट्वेल्थ आप लोग के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर दोस्तों 5 आप लोग का सरफेस केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट जो आप लोग का 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि इस वीडियो में समझिए 1 शॉट आप लोग को करने वाला पृष्ठ रसायन यानी कि दोस्तों आप लोग का सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है ना। इस चैप्टर से जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन बनते थे उन सभी क्वेश्चनों को कवर किया गया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए डियर, मुझे थोड़ा दोस्तों सर्दी है तो आप लोग मैनेज करना यार, आप लोग को थोड़ा वॉइस होगा बेहतर नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग देखोगे तो यहाँ से आप लोग देखोगे सरफेस केमिस्ट्री यानी कि इस चैप्टर से सबसे अधिक मार्क्स पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में दोस्तों आप लोग को फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है ना। तो लास्ट तक बने रहोगे तो सारा आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे और सब्जेक्टिव साथ में 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। देखो आप लोग पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर मैसेज कर करके डियर आप लोग पीडीएफ कोर्स ले सकते हो। उसमें आप लोग का पूरा सिलेबस रहेंगे चैप्टर वाइज, ताकि आप लोग को बेहतर तैयारी आप लोग कर करके 90% ला सकते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग गूगल वेबसाइट देख लोगे educationlecture.com, यहाँ पर गूगल पर आप भी आप लोग educationlecture.com सर्च करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के बाद गूगल पर जरूर सर्च करना educationlecture.com ये वाला, ठीक है ना। चलो लास्ट तक बने रहो, बहुत मजा आने वाला है। देखो डियर स्टूडेंट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो उत्प्रेरक क्या है, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उत्प्रेरक जो होता है दोस्तों कहा जा रहा है कि जिस पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया की गति दोस्तों बढ़ जाती है उससे हम लोग दोस्तों उत्प्रेरक कहते हैं। देखो आप लोग सोच रहे इंग्लिश मीडियम में क्या नहीं आया, देखो इंग्लिश मीडियम में ऐसे तैयार है लेकिन यहाँ पर आप लोग को इंग्लिश मीडियम में मैंने ऐड ही नहीं किया, ठीक है ना। तो आप लोग को टेंशन वगैरह नहीं लेना है, आप लोग रेगुलर क्लास करो यार, आपको बेहतर तरीके से टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग दोस्तों दोनों मीडियम को लेकर के चलते हैं। फिजिक्स में आप लोग को दोनों मीडियम लेकर चलेंगे, डीएस ट्वेल्थ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलिए कहा जा रहा है कि जिस भी पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है उससे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया में दोस्तों भाग नहीं लेता, यह केवल क्रिया की गति को प्रभावित करता है। देखो कहा जा रहा है कि दोस्तों जो अभिक्रिया जो होता है दोस्तों उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, उत्प्रेरक कहता है। लेकिन उत्प्रेरक दोस्तों जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, यह केवल इसकी दोस्तों क्रिया की गति को प्रभावित करता है। ये 2 प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं डियर। देखो कौन कौन होते हैं, एक समांगी होते हैं एक विषमांगी उत्प्रेरक होते हैं। ध्यान पूर्वक समझोगे डियर भौकाल मचा दोगे। कहा जा रहा है फर्स्ट नंबर में कि जब उत्प्रेरक अभिकारक एवं प्रतिपल सभी एक ही भौतिक अवस्था में हो तब दोस्तों वह उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। अर्थात समझे, जब उत्प्रेरक दोस्तों अभिकारक एवं प्रतिपल सभी एक ही भौतिक अवस्था में रहेगा तो समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। एग्जांपल देखोगे तो नाइट्रस ऑक्साइड आप लोग देख पा रहे हो, नाइट्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में दोस्तों SO2 को ऑक्सीकृत होकर के दोस्तों SO3 में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे यह समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण को पेश करता है, समझे डियर स्टूडेंट। ये समांगी उत्प्रेरण आपका हो गया, यानी कि जब उत्प्रेरक अभिकारक प्रतिपल सभी एक ही भौतिक अवस्था में होगा तो समांगी उत्प्रेरक का लगा। देखो एक ही अवस्था में डियर दोस्तों SO2 से अभिक्रिया करके O2NO गैस की उपस्थिति में दोस्तों SO3 का निर्माण करता है, जो कि आप लोग देख पाओगे। देखो बेसमांगी उत्प्रेरक भी दिया गया है, देखो 2 प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, ये सब आप लोग को याद रखना है। डायरेक्ट छोटे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कहा जा रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक और प्रतिफलों के अवस्थाएं अलग अलग होते हैं। देखो इसमें जो विषमांगी में होता है स्टूडेंट उसके विपरीत हो जाता है, ठीक है ना। इसमें अलग अलग होती है, क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक जो होता है और प्रतिकारक की अवस्था जो होती है ना वो अलग अलग होती है, ठीक है ना। इसे विषमांगी उत्प्रेरक हम लोग कहेंगे। विषमांगी उत्प्रेरक को संपर्क उत्प्रेरण भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएगा कि संपर्क उत्प्रेरक के नाम से कौन जाना जाता है, तो अपन याद रखेंगे विषमांगी उत्प्रेरक संपर्क उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आयरन के महीन चून की उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया का निर्माण। देखो
बेहतर तरीके से समझो। यहाँ पर आप लोग को नाइट्रोजन दिया गया है, यहाँ पर हाइड्रोजन के तीन अणु है, तो यहाँ पर देखोगे तो मिलकर के अमोनिया बनाया, यानी कि आप लोग को अमोनिया का सूत्र भी पता होना चाहिए। NH3 होता है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में यार पूछा गया है कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है। जैसे कि आप लोग को नाइट्रिक अम्ल को पता होगा HNO3 होता है, उसी प्रकार अमोनिया का भी आप लोग को पता हो गया। चलो आप लोग को याद रखना डी स्टूडेंट, आप लोग का क्या कहेंगे एग्जाम्पल जो है विषमांगी उत्पीड़न के एग्जाम्पल को पेश करता है। लास्ट तक बने रहोगे, भौकाल मचा दोगे, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। कहा जा रहा है उत्प्रेरक के प्रकार, देखो उत्प्रेरक जो होता है दोस्तों, देखो क्या कहा जा रहा है, धनात्मक उत्प्रेरक। देखो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एरो का निशान होना चाहिए, लेकिन सोच सकते हो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। धनात्मक उत्प्रेरक ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के गति को बढ़ा देता है, उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वैसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के गति को बढ़ा देता है, कौन उत्प्रेरक कहलाता है, तो आप लोग क्या ना धनात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कि वैसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के गति को यार बढ़ा देता है, क्या कहलाता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। यहाँ पर आप लोग देखोगे ये तो PDF के लिए इस नंबर पर ज्वाइन कर देना है टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को जो भी न्यूज होता है सबसे पहले वहाँ पर आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है ना। चलो लास्ट तक बनना, सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कर लो डियर, आप लोग PDF भी ले सकते हो इसका। चलिए देखो, ऋणात्मक उत्प्रेरक जो होता है डियर स्टूडेंट, वो कहा जाए कि ऋणात्मक उत्प्रेरक एक ऐसा उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया की गति को यार कम कर देता है। देखो धनात्मक उत्प्रेरक में दोस्तों अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, लेकिन ऋणात्मक जो होता है दोस्तों उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को कम कर देता है या डिक्रीज कर देता है, इससे हम लोग ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम आएंगे, क्योंकि इसका हम लोग वन शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं। देखिए कहा जा रहा है कि स्व प्रेर उत्प्रेरक दोस्तों क्या, देखो स्व उत्प्रेरक क्या होता है ध्यान से समझेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया से बना कोई प्रतिफल स्व उत्प्रेरक कार्य करे उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया से कोई बना जो प्रतिफल होगा स्व उत्प्रेरक के तर्क स्वयं जो होगा दोस्तों खुद वो स्वयं दोस्तों उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करेगा अर्थात कार्य करेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग को याद करना है कि वो स्वयं आप लोग का स्वयं उत्प्रेरक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्वयं उत्प्रेरक कहलाएगा। कहा जा रहा है स्टूडेंट की देखो एग्जांपल भी दिया गया है, एथिल एसीटेट को जल के अवघटन से अभिक्रिया, देखो जो होता है एथिल एसीटेट उसका सूत्र क्या होता है ये आप लोग को पता होना चाहिए स्टूडेंट, तभी आप लोग भौकाल मचा सकते हो। चलो सेलुलोज C2H5 होता है, कुछ गड़बड़ है, एथिल एसीटेट, ठीक है ना, मुझे लग रहा है इसमें कुछ और होना चाहिए एथिल एसीटेट में, ठीक है ना। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है एसीटेट एथिल एसीटेट को जल अपघटन से एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। देखो एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कराने के बात किया है स्टूडेंट, तो जब इसकी एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया होएगी तो आप लोगों का दोस्तों जो निर्माण होगा एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है, सॉरी एथिल जो एसीटेट के जल अपघटन होता है स्टूडेंट उससे एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसे एथनोइक अम्ल IUPAC नेम में लिखते हैं और बन होता है, इससे अभिक्रिया की गति तेज होता हो जाते हैं। देखो ये जो अभिक्रिया हुआ इससे अभिक्रिया की जो गति हो जाएगी वो दोस्तों तीव्र हो जाएगी, तेज हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों एसिटिक एसिड स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। देखो ये जो आप लोग का रिएक्शन दिया गया स्टूडेंट, इसमें आप लोग को स्वयं उत्प्रेरक की तरह जो कार्य करेगा इथेनोइक अम्ल अर्थात एसिटिक अम्ल कार्य करेगा, ठीक है ना। तो आप लोग को याद रखना, जब भी आप लोग दोस्तों यहाँ पर आप लोग एथिल एसीटेट को आप लोग दोस्तों क्या कीजिएगा पता है, जल अपघटन कीजिएगा, तो याद रखना आप लोग को क्या प्राप्त होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में एक तरह से पूछा ही जाएगा। जब एथिल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग को पढ़ना आप लोग को करवाएंगे भी, ठीक है ना। तो याद रखना आप लोगों को दोस्तों एथिल एसीटेट का जल अपघटन करते हैं तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आप लोग याद कर लेना और ये स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। चलो इतना क्लियर हो गया, देखो हो सकता है दोस्तों Part 2 वीडियो बन जाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डियर स्टूडेंट पेज का जो संख्या 2 of 12 है, ठीक है ना। तो हो सकता है Part 2 भी वीडियो इसका आ सके, ज़्यादा संभावना है कि Part 2 तक ये वीडियो जाएंगे। चलिए देखोगे डियर स्टूडेंट, तो कहा जा रहा आपके लिए कि प्रेरित उत्प्रेरक क्या है। देखो प्रेरित उत्प्रेरक क्या है, तो जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक बन जाए तो प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है। देखो
जब कोई रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक बन जाए तो उसे दोस्तों प्रेरित उत्प्रेरक हम लोग कहते हैं। उत्प्रेरक बेस क्या है, तो वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरण या उत्प्रेरण क्षमता को घटा देते हैं या तो नष्ट कर देते हैं उत्प्रेरक बेस कहलाता है। देखो उत्प्रेरक बेस जो पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आते रहते हैं, तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग को क्लियर कर लेने हैं। चलिए देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो उत्प्रेरक बाधक क्या है। देखो उत्प्रेरक बाधक क्या है, तो कहा जा रहा है वह पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देता है उत्प्रेरक बाधक कहलाता है। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, उत्प्रेरक बाधक कहलाता है। यानी कि दोस्तों कहा जाए कि वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देगा, जब इंक्रीज हो जाएगा तो ये उत्प्रेरक बाधक कहलाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल कहा जा रहा है कि हैवर ब्रिज द्वारा अमोनिया के निर्माण में, देखो आप लोग को ये बात याद रखना है, अमोनिया का जो निर्माण होगा हैवर विधि द्वारा होगा। क्या डियर स्टूडेंट, हैवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण होगा, अर्थात NH3 का जो निर्माण होता है हैवर विधि द्वारा होता है। ये अपने होठों पर सजा लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैवर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में आयरन जो होता है उत्प्रेरक दोस्तों एमो जो होता है वर्धक की तरह कार्य करता है। देखोगे यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग, तो यहाँ पर N2 दिया गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से दोस्तों लोहे की उपस्थिति अर्थात तो Fe के उत्प्रेरक में दोस्तों एमओ उत्प्रेरक के वर्धक की उपस्थिति में दोस्तों अमोनिया की रिएक्शन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया को प्राप्त कर लिया जाता है। देखो हैवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। चलो यहाँ पर देखो तो आप लोग का उत्प्रेरक बाधक भी कंप्लीट हो गए। अब उत्प्रेरक की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंतर्गत आएंगे डियर, तो कहा जा रहा है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को आरंभ नहीं करता है। देखो उत्प्रेरक जो होता है डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग एक तरह के उत्प्रेरक के कार्य करते हैं दोस्तों के लिए अपने, ठीक है ना, तो आप लोग ऐसा काम करते रहिएगा। कहा जाए कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को आरंभ नहीं करता है, क्या करता है तो ध्यान से समझेंगे। कहा जाए किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक सिर्फ अभिक्रिया के गति को बढ़ाता है या तो घटाता है। कहा जा रहा है दोस्तों कि अभी जो उत्प्रेरक होता है अभिक्रिया के गति को या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है, ना कि अभिक्रिया को आरंभ करता है। कहा जा रही है स्टोन अभिक्रिया को जो आरंभ करता है यहाँ पर उत्प्रेरक नहीं करता है मेरे प्यारे लाल, ये कहा जा रहा है। जो उत्प्रेरक होता है ना अभिक्रिया के गति को अभिक्रिया को आरंभ नहीं करता है, ये इसका जो कार्य होता है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अभिक्रिया के गति को बढ़ाना या घटाना, अर्थात आप लोग समझे उत्प्रेरक अभिक्रिया को आरंभ नहीं करता है। देखो उत्प्रेरक के दोस्तों अपरिवर्तनशीलता भी दोस्तों इसका विशेषता है, तो ध्यान पूर्वक समझेंगे डियर। तो कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। देखो रासायनिक अभिक्रिया में दोस्तों जो उत्प्रेरक होता है रासायनिक रूप से क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, याद रखना डियर, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आ रहे हैं आप लोगों को दोस्तों। विशेषताएं 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो याद कर लो, काफ़ी इजी है। देखो कहा जाए दोस्तों यहाँ पर आप लोग का 3rd नंबर होना चाहिए, 2 2 बार 2 नंबर लिखा गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहा जा रहा है कि किसी उत्प्रेरक के सूक्ष्म मात्रा, देखो उत्प्रेरक के सूक्ष्म मात्रा पर भी इसकी विशेषता है। कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक होगा अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए अत्यंत अल्प मात्रा में उपयोग उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, अर्थात दोस्तों जो उत्प्रेरक के सूक्ष्म मात्रा का मतलब क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए अत्यंत अल्प मात्रा से ही उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, बहुत कम दोस्तों उत्प्रेरक का उपयोग, ऐसा कहा जा रहा है। देखो यहाँ पर उत्प्रेरक का विशिष्ट कहा जा रहा है, उत्प्रेरक का विशिष्ट क्या, तो कहा जा रहा है कि एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को संपन्न नहीं करा सकते हैं। देखो एक ही उत्प्रेरक होंगे सभी अभिक्रियाओं को संपन्न नहीं करा सकते हैं, बल्कि विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए विभिन्न भिन्न प्रकार के उत्प्रेरक उपयोग करते हैं। देखो उत्प्रेरक विशिष्ट में कहा जा रहा है कि एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को संपन्न नहीं करा सकते हैं, बल्कि विभिन्न दोस्तों अभिक्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, अर्थात यह उत्प्रेरक विशिष्ट होता है, ठीक है ना। चलो चलो बहुत अच्छा मेरे प्यारेलाल, आप लोग तो बिल्कुल भौकाल मचाते, ये सब क्वेश्चन को याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम में आएंगे। चलो यार यहाँ पर देखोगे तो कहा जा रहा है ताप का प्रभाव। देखो
अब ताप का प्रभाव में क्या कहा जा रहा है कि उत्प्रेरक हमेशा एक निश्चित ताप पर कार्य करता है। उत्प्रेरक जो होता है हमेशा निश्चित ताप पर कार्य करता है, तो उससे हम लोग दोस्त उस ताप को हम लोग उत्प्रेरक का अनुकूलतम ताप कहते हैं। उत्प्रेरक का दोस्तों ताप पर प्रभाव होता है, ताप का प्रभाव भी उस पर पड़ता है, अर्थात उत्प्रेरक जो होगा हमेशा एक निश्चित ताप पर कार्य करता है, तो उस ताप को दोस्तों उत्प्रेरक की अनुकूलतम कहा जाता है। इस ताप से ऊपर या नीचे अभिक्रिया का वेग बदल जाता है। इस ताप के नीचे जो होगा दोस्तों अभिक्रिया का वेग बदल जाएगा। चलिए डियर, यहाँ पर देखोगे उत्प्रेरक की साम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। देखो कहा जा रहा है डियर कि उत्प्रेरक रासायनिक साम्य पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, उत्प्रेरक कभी भी रासायनिक साम्य को प्रभावित नहीं कर सकता है या समान रूप से अर्क तथा पार्श्व अभिक्रिया को संपन्न कराता है। देखिए डियर, थोड़ा मेरा दोस्तों समझ सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है ना, तो भी आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो, यहाँ पर उत्प्रेरक की क्रिया विधि को समझेंगे और सिद्धांत को भी। देखो डियर, आप लोग लास्ट तक बने रहना, इस चैप्टर को कोशिश करो खत्म कर देने की, क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक नंबर में। कहा जाता है कि उत्प्रेरक की क्रिया विधि, कहा जाए कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है तो यह उत्प्रेरक के दोस्तों प्रतिकारी अणुओं के सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यानी कि उत्प्रेरक की क्रिया विधि में दोस्तों जो होगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरक किया जाएगा तो इसमें प्रतिकारी अणुओं के सक्रियण ऊर्जा को या क्या कर देगा, घटा देगा, जिससे इसका क्या होगा वेग पर दोस्तों क्या होता है इंक्रीज कर देंगे, बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है उत्प्रेरण का सिद्धांत। अब उत्प्रेरण का सिद्धांत क्या है, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत बनाने में। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है तो उत्प्रेरक सर्वप्रथम किसी प्रतिकारी अणुओं के साथ अभिक्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है। कौन सा रिएक्शन माध्यमिक यौगिक बनाता है, फिर वह माध्यमिक यौगिक दूसरे प्रतिकारी अणुओं के साथ अभिक्रिया करके प्रतिफल का निर्माण कर देता है। सोचो, ये उत्प्रेरक का सिद्धांत हुआ, ठीक है ना। तो माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत में इसमें दोस्तों भी उपयोग किया जाए, कहा जाए कि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत को लिखे तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। चलो आप लोग देखेंगे अब नेक्स्ट। देखो ये तो यार कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग यार बेहतर तरीके से समझो और लास्ट तक बने रहो इस वीडियो में। कहा जा रहा है कि एंजाइम उत्प्रेरण, तो यह एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिक पदार्थ होता है जो अनेक जैविक व रासायनिक क्रियाओं को संपादित करती है। एंजाइम उत्प्रेरण कहलाते हैं। एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछे जाएंगे एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप लोग को याद रखना है प्रोटीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रोटीन हो जाएंगे मेरे प्यारे लाल। आप लोग यार लास्ट तक बने रहो, हम लोग भौकाल मचा देंगे आज के क्लास में, ठीक है ना। तो एक यह दोस्तों जटिल होता है और नाइट्रोजन से युक्त होता है और कार्बोनिक पदार्थ होता है जो अनेक जैविक व रासायनिक क्रियाओं को संपादित करता है, यानी कि पूरा करता है। इससे हम लोग एंजाइम उत्प्रेरक के नाम से जानेंगे। एंजाइम उत्प्रेरक दोस्तों प्रायः प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात ये प्रोटीन ही होते हैं। जैसे इन्वर्टेस नामक एंजाइम बैक्टीरिया सुक्रोस नामक एंजाइम को ग्लूकोज में बदल देता है, अर्थात दोस्तों इंटरवेंशन नामक एंजाइम दोस्तों C12H2O11, ठीक है ना, जिन्हें को दोस्तों यहाँ पर सुक्रोज को आप लोगों को क्या में बदल देता है, माल्ट ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में बदल देता है। देखो ग्लूकोज का सूत्र और ये फ्रुक्टोज का सूत्र, ठीक है ना। तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ग्लूकोज का सूत्र है, यहाँ पर फ्रुक्टोज का सूत्र है, दोनों का सूत्र एक ही होता है। यह आप लोग का चीनी का सूत्र है जिसे हम लोग सुक्रोज के नाम से जानते हैं, जो कि आप लोग ऑलमोस्ट विद्यार्थी जानते होंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग का ग्लूकोज में टूटा और फ्रुक्टोज में, ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव 2022 में इस बार आया था, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में। देखो साय एंजाइम क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना साय एंजाइम दोस्तों प्राय दोस्तों याद रखना विटामिन भी होते हैं, ये एग्जाम में आएंगे। वे पदार्थ जो एंजाइम के उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देते हैं उसे साय एंजाइम कहेंगे। देखो या को एंजाइम भी इसको हम लोग कहते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव के रूप में पहुँचाया जाएगा वह पदार्थ जो एंजाइम के उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देगा वो क्या कहलाएगा, ऑप्शन में दे देगा एंजाइम, से एंजाइम, प्राय एंजाइम, आप लोग को कई ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें से आप लोग का सह एंजाइम हो जाएंगे। सह एंजाइम दोस्तों विटामिन होता है, आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे सह एंजाइम विटामिन होता है।
देखो अब सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन अधिशोषण क्या है। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। कहा जा रहा है कि यह एक ऐसी रासायनिक का विक्रिया प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के सतह पर दुर्बल बॉन्डर बंध के कारण मिलता है। देखिए आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को ऑलमोस्ट बता चुके हैं, रेगुलर क्लास करते होंगे। अगर आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इस चैप्टर से 108 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए थे। कहा जा रहा है कि यह एक ऐसी रासायनिक का विक्रिया होता है जिसमें कोई दोस्तों पदार्थ एक सतह पर दोस्तों दुर्बल आकर्षण बल के कारण जुड़ता है, ठीक है ना, दुर्बल आकर्षण बल के कारण जुड़ता है, इस सतह पर दोस्तों चिपकता है या उसकी सतह पर चिपकता है, उसे उस क्रिया का अधिशोषण कहा जाता है। या दोस्तों जिसकी सतह पर चिपकता है उसे उस क्रिया का दोस्तों अधिशोषण कहा जाता है। यहाँ पर देखोगे तो कहा जाए कि जो पदार्थ चिपकता है उसे अधिशोषण अधिशोष और जिस पर चिपकता है उसे अधिशोषक कहा जाता है। देखो कन्फ्यूजन दूर करने तो ये आप लोग को टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। क्या हो गया, जो पदार्थ दोस्तों चिपकता उसे अधिशोष कहते हैं और जिस पर चिपकता उसे अधिशोषक कहते हैं। तो यहाँ से परिभाषा भी आसान हो गया, एक ऐसी रासायनिक का विक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के सतह पर ड्यूरेबल बॉन्डर बस के कारण जुड़ता है, ठीक है ना। चलो क्लियर कर लो। यहाँ पर देखोगे तो कहा जा रहा है कि जब अमोनिया गैस के साथ चारकोल में रखा जाता है, जब अमोनिया को दोस्तों चारकोल गैस के साथ रखा जाता है तो अमोनिया गैस चारकोल के सतह पर चिपक जाता है, तो यह क्रिया चारकोल के अधिशोषक और अमोनिया अधिशोष है। देखो यहाँ पर चारकोल आप लोग का अधिशोषक है क्योंकि जिस पर चिपका हुआ अधिशोषक, यहाँ पर देख सकते हो परिभाषा, और जिस पर दोस्तों चिपका यानी कि जिस पर दोस्तों चिपकता है उसे अधिशोषक कहते हैं, इसे चिपकने की क्रिया को अधिशोषक कहते हैं। चलो अब शोषक क्या है वो भी आप लोग समझेंगे। देखो कहा जाए कि वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ के सतह के अंदर स्थूल तक प्रवेश कर जाता है। देखो इसमें अंदर तक प्रवेश कर जाएगा तो यह आप शोषक कहलाएगा। जैसे कि दोस्तों से आप लोग छेना वगैरह स्पंज होता है, ठीक है ना, गुलाब जामुन, उसमें देखते हो तो चीनी जो होता है चाशनी के भीतर प्रवेश कर जाता है। जैसे कि आप लोग नहीं देखो, जैसे कि आप लोग मान लीजिए कोई चीनी वगैरह वाला दोस्तों आप लोग मिठाई लेते हो तो उसमें होता है चाशनी, अर्थात उसमें जो होता है मीठा रस वो अंदर तक प्रवेश करता है। उसी का एक एग्जांपल आप लोग का छेना देता है, ठीक है ना, गुलाब जामुन। देखो यहाँ पर विशेषण क्या है, देखो विशेषण हम लोग क्या है वो समझेंगे। काफ़ी ईजी डियर ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या शायद दो नंबर में भी पूछ सकता है। कहा जा रहा है किसी रासायनिक किसी अधिशोषक की सतह से अधिशोषक के हटने की क्रिया को विशोषण कहा जाता है, ठीक है ना, यानी कि अधिशोषक जो तरीके उससे अधिशोष जो हटेगा उसी को हम लोग विशोषण कहेंगे। जैसे दोस्तों चारकोल को गर्म करने पर उसकी सतह पर अमोनिया गैस हटने की क्रिया को विशोषण हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, विशोषण कहते हैं। देखो अधिशोषण क्रिया निम्न ताप पर, अधिशोषण क्रिया उच्च ताप पर होता है। देखो यहाँ पर आप लोग को कहा था डियर आप लोग बेहतर तरीके से समझेंगे, अधिशोषण की क्रिया निम्न ताप पर, अधिशोषण की क्रिया उच्च ताप पर होती है। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में भी बतला चुके हैं, तो आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए और ये सब क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए मेरे प्यारा। चलो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट अधिशोषण के प्रकार, देखो अधिशोषण के प्रकार भी होते हैं, ठीक है ना, तो एक भौतिक अधिशोषण होता है या बॉन्डर वास होता है, एक रासायनिक अधिशोषण होता है। देखो भौतिक अधिशोषण दुर्बल बॉन्डर वास के कारण जुड़ा होता है, ये आप लोग को बतला चुके हैं। रासायनिक अधिशोषण दोस्तों प्रबल आकर्षण बल के कारण जुड़ा होता है। भौतिक अधिशोषण उत्कमनीय होता है और रासायनिक अधिशोषण अनुत्कमनीय होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को बता चुके हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच दुर्बल बॉन्डर बस पाया जाता है तो भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। देखो मैंने बोला कि जो भौतिक अधिशोषण दुर्बल बॉन्डर बस के कारण जुड़ा होता है, अर्थात अधिशोष क्या हो तो आप लोग को समझ चुके हैं, अधिशोषक भी समझ सकते हैं। जब इसके भी दुर्बल बॉन्डर बस लगता है तो दोस्तों ये आप लोग का भौतिक अधिशोषण कहलाता है। जैसे चारकोल पर निम्न ताप पर अमोनिया गैस को अधिशोषण करना, जैसे चारकोल पर निम्न ताप पर अमोनिया गैस का अधिशोषण। देखो यहाँ पर देखोगे रासायनिक अधिशोषण, तो इसका एक और नाम लैगमोर अधिशोषण भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखोगे यहाँ पर तो कहा जाए कि जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच प्रबल बल अर्थात रासायनिक बंधन बंध पाया जाता है तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। जैसे दीवार पर चूने की
पुताई, ठीक है ना, पुताई, ठीक है ना। जैसे कि चूने का दोस्तों दीवार पर पुताई करते हैं तो हम हमारा दोस्तों वो रसायने का शोषण हो जाता है, क्योंकि वो दोस्तों प्रबल हुआ यानी कि वो मिट नहीं सकते उस पर अगर दोस्तों आप लोग पोत दिए तो, ठीक है ना, पुताई कर दिए हैं तो आप लोग समझ सकते हो डी स्टूडेंट, ठीक है ना। चलो वो कहीं मिटेगा नहीं अर्थात वो प्रबल हो गया। देखो भौतिक का शोषण और रासायनिक का शोषण में कुछ अंतर है डियर, आप लोग को और भी अंतर नीचे दिए गए हैं तो आप लोग बेहतर तरीके से पहले समझो। देखो एक तरफ भौतिक अधिशोषण है और दूसरी तरफ रासायनिक अधिशोषण है। चलो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण क्या है तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखो भौतिक अधिशोषण जो होता है स्टूडेंट आप लोग ध्यान से समझेंगे, यह दुर्बल आकर्षण बल के कारण होता है। क्या होता है, यह दुर्बल आकर्षण बल के कारण होता है डियर स्टूडेंट। दिस इज द डाई टू ए बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यह दुर्बल आकर्षण बल के कारण होता है, जबकि ये दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट फोर अट्रैक्शन के कारण अर्थात प्रबल आकर्षण बल के कारण होता है। क्या डियर स्टूडेंट, यह प्रबल आकर्षण बल के कारण होता है दोस्तों रासायनिक अधिशोषण, और जो भौतिक अधिशोषण दुर्बल आकर्षण बल के कारण होता है। ऑब्जेक्टिव में भी बिहार बोर्ड पूछ सकता है तो आप लोग बिल्कुल क्लियर करते जाओ, ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी देख लेना प्लेलिस्ट में दोस्तों वीडियो है। कहा जा रहा है कि यह प्रायः निम्न ताप पर होता है। देखो भौतिक अधिशोषण होगा प्रायः निम्न ताप पर होगा डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, और रासायनिक अधिशोषण होगा यह उच्च ताप पर होगा। देखो ये उच्च ताप पर होगा, ये निम्न ताप पर होगा, समझे। जो भौतिक अधिशोषण होगा डियर स्टूडेंट वो निम्न ताप पर होगा, लेकिन रासायनिक अधिशोषण निम्न ताप पर होगा। देखो भौतिक अधिशोषण द्विपरतीय या बहुपरतीय होता है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट, तो याद रखना यह आप लोग का यह एक परतीय होता है। कौन, तो रासायनिक अधिशोषण। देखो आप लोग समझे दुर्बल बल तो या दुर्बल आकर्षण बल के कारण दोस्तों कौन होता है, तो आप लोग का भौतिक अधिशोषण, जो रासायनिक अधिशोषण या प्रबल आकर्षण बल के कारण होता है, यह प्राय निम्न ताप पर होता है दोस्तों और यह प्राय उच्च ताप पर होता है। दिस यूजुअली हैपेंस एट ए लो यानी कि लो टेम्परेचर पर दोस्तों ये आप लोग का होता है, ये उच्च टेम्परेचर पर होता है स्टूडेंट, हाई टेम्परेचर पर। चलो ये बहुपरतीय होता है, ये आप लोग का दोस्तों एक परतीय होता है। देखो मैंने बोला ये अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय होता है, ये अनुत्क्रमणीय होता है। जो भौतिक अधिशोषण होता है उत्क्रमणीय होता है, रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है, दोनों ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखो भौतिक अधिशोषण विशिष्ट होता है या स्पेशल होता है, लेकिन यह स्पेसिक हो गया, ठीक है ना, यानी कि विशेष नहीं होता है। कौन, तो रासायनिक अधिशोषण। जो गैस आसानी से द्रवित होगा वो भौतिक अधिशोषण होता है, जो गैस आसानी से द्रवित होता है उसमें भौतिक अधिशोषण होता है, जिसमें गैस आसानी से दोस्त देखो इसमें द्रवण का कोई महत्व नहीं होता है, या तो इसमें कैसे कल्पना कर सकते हैं द्रवित होने की। चलो इसमें ताप बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण बढ़ता है, देखो इसमें ताप बढ़ाएंगे तो भौतिक अधिशोषण बढ़ेगा, ठीक है ना, ताप बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण बढ़ता है, जबकि दोस्तों रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने से इसका मान घटता है। चलो बिल्कुल क्लियर कर लें डियर, चलो आप लोग तो बिल्कुल भौकाल मचा दिए हैं। चलो यार ये सब टॉपिक अब आपका रह गया तो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे डियर स्टूडेंट, और बहुत से क्वेश्चन है तो आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका पार्ट टू भी आप लोग को देखना है, ठीक है ना, पार्ट टू वीडियो आप लोग को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर और भी PDF आप लोग पाना चाहते हैं तो अभी गूगल पर जाना है और educationlecture.com सर्च करना है। कौन, गूगल या क्रोम पर आप लोग सर्च कर सकते हो educationlecture.com, वहाँ से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि 90% प्लस स्कोर एग्जाम में गेन किया जाए लाया जाए तो PDF के लिए इस नंबर पर आप लोग को दोस्तों जो होगा संपर्क करना होगा, और बेहतर तरीके से आप लोग को तैयारी करना होगा। बिल्कुल 90% ला सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोग मेहनती है तो बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो लड़ेंगे लेकिन आप लोग को याद रखना होगा जितना पढ़ाएंगे, अर्थात ये तो आप लोग का वन शॉट वीडियो होगा, इसमें आप लोग को पूरा भी नहीं याद है कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो आप लोग को याद रखना होता है, जो बोर्ड एग्जाम के मद्देनज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कर देना है, और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।